साहब कौन है? कौन है साहब तेरी? तू बार बार मेरे को डराने के लिए ना, तेरे को मैं देख लूंगा साले, पहले आप लोगों को तो देखूं। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। देखो भाई, ये एंकरिंग के धंधे में ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैंने नया धंधा चालू किया है। मैं बन गया हूं बुकी। साला ये बहुत प्रॉब्लम है, अभी मैच चालू भी नहीं हुआ लगे फोन बजने साला। हेलो, हाँ कृष्णा बोल रहा हूँ। क्या बोला? अगला मैच पाकिस्तान हारेगा? अबे इसमें कौन सी नई बात है? क्या टॉस भी हारेगा? हाँ ये नई बात है, बल्ले बल्ले क्या बात है, मैच फिक्स हो गया अपना। क्या बात है बॉस। वैसे मेरे पास पक्की खबर है कि अगला मैच पाकिस्तानी हारेगा। वो क्या है ना, अपनी पाकिस्तान का कैप्टन सलमान बट से बात हो गई है। मुझे तो लगता है कि सलमान बट अपने महेश बट साहब के कुछ लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही पाकिस्तान से प्यार है और दोनों को ही खुजली है। बट साहब को बॉडी में खुजली है और सलमान बट को बस खुजली है। साला जब से क्रिकेट पे बैटिंग चालू हुई है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है बहन की आंख। लेकिन देखते हैं इस बारे में क्रिकेट के भगवान का क्या कहना है। आइए लगाओ। हे कृष्णा, मैं तो कहता हूँ कि बैटिंग नहीं होना चाहिए और क्रिकेट में तो बैटिंग बिल्कुल ही होना चाहिए। अच्छा। अरे क्रिकेटर्स के लिए पैसा कमाना मुश्किल थोड़ा ना है। अगर पैसा कमाना है तो एड्स करके कमाओ, रैम मॉडलिंग करके पैसा कमाओ, और मैं तो कहता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर बन के पैसा कमाओ, समझे ना? टाइम मिले तो क्रिकेट खेल के भी पैसा कमा लो कभी कभी। मैं चलता हूँ, गो गेट इट मी। ये तो सचिन ने हमको कंफ्यूज ही कर दिया है। अब इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आइए, और कंफ्यूज होते हैं और आपको कौन कंफ्यूज कर सकता है ये हम आपको बताते हैं। अरे भाई कृष्णा, मेरा मानना है कि क्रिकेट मुझे लगता है एक मजहब है, एक पैशन है, एक रोग है। रोग से मुझे याद आया कि पूजा ने रोग बड़ी अच्छी बनाई थी। रोग जो है वो काफी प्रकार के होते हैं। मुझे फिलहाल अभी याद आ रहे हैं, पहला प्रकार जो है वो एक डायरिया, एक मलेरिया और खुजली। खुजली की बात करें तो मुझे याद आया कि 1987 में मुझे लगा कि जयललिता से बात करनी चाहिए। जयललिता का जवाब सुनकर मैं एकदम लाजवाब हो गया। भाई इस विषय पे तो और भी बात हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, तो बस इतना कहूंगा कि क्रिकेट में अगर बैटिंग होती है तो भी ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। भट्ट साहब का खुजली करना खत्म हो गया, चलो वेरी गुड। क्या है भाई, सचिन ने तो हमें कंफ्यूज ही किया था, भट्ट साहब ने तो पूरा बल्ब ही फ्यूज कर दिया। क्या बात है भाई, दुबई से कब आना हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जय महाराष्ट्र। आज का गल्ला खोल क्या है? गल्ला? अरे ऐसा गल्ला है, खुश हो जाओगे भाई, एक मिनट। ऑटोमेटिक अपना सब। अबे ये क्या चिंदीगिरी, अबे तू धंधे पे बैठा था आज अली पे? नहीं, वो क्या हो गया ना, वो पाकिस्तान वाले हैं ना। हाँ। वो माँ बहन ये कर रहे हैं सब, बहुत वाट लगा के रखी हुई है, सारे पैसे वही ले जाते हैं, और अपने इधर क्या है 40-50 रुपए से ऊपर कोई लगाता नहीं है भाई। हम क्या करते हैं, फिल्मों में, डेली शोप में और रियलिटी शोप में पैसा घुसाते हैं। एकदम लेटेस्ट बैटिंग है भाई, के उदय चोपड़ा है ना अपना, उसकी फिल्म चलेगी या नहीं? उदय चोपड़ा की फिल्म चलेगी या नहीं? हाँ। सवाल तो ये उठता है, हाँ। उदय चोपड़ा को अगली फिल्म मिलेगी या नहीं?
आइडिया तेरा बिल्कुल बुरा नहीं है, समझा ना? एक काम कर, गल्ला खोल, बैटिंग लगा डाल और माल पहुंचा दे। भाई ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस बारे में कुछ लोगों की राय लेनी चाहिए हमको। सबसे पहले देव साहब से पूछना चाहिए कि फिल्मों और टेलीविजन प्रोग्राम पे बेटिंग होनी चाहिए या नहीं। आइए देखते हैं देव साहब ने हिल हिल के क्या कहा। क्या बात है। फिल्म और टेलीविजन प्रोग्राम पर बेटिंग होना बहुत जरूरी है। कृष्णा एक काम करो, मेरा भी बैट लगवा दो। मेरी आने वाली फिल्म में कटरीना कैफ भी है और करीना कपूर भी है, और सवाल यह है इनमें से कौन बनेगी मेरी दादी। चलो देव साहब ने आशीर्वाद के साथ साथ काम भी दे डाला हमको। कौन आया देखो? हेलो, हाँ क्या 5 लाख लगाना है? क्या तपस्या सुधरेगी या नहीं? भैया क्यों सुधार रहे हो यार, वो तो मुझे बिगड़ी हुई अच्छी लगती है। खैर तुम्हारी मर्जी है तो लगा देते हैं। हाँ ओके ओके। हेलो क्या मेरा भाव क्या चल रहा है? तेरी माँ का रामू काका साले रखोन या माइला साला मेरे से पूछ रहा है कि मेरा भाव क्या चल रहा है। ये वाकई में एक सट्टा बाजार है बॉस, क्योंकि यहाँ कॉमेडी के मैच फिक्स होते हैं और ठाकों पर बैटिंग लगती है। जोरदार तालियां बजाओ। अरे सुरेंद्र, ये सब सट्टे बैटिंगबाजी के चक्कर में मैं भूल ही गया। दोस्तों अब जो अगली कलाकार यहाँ स्टेज के ऊपर आने वाली है, बारे में क्या बोलूं, वो बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भैया मैं निकल रहा हूं यहां से। सुरेंद्र मैं तुझे बता रहा हूं, इतनी खतरनाक है ना, तुझे देख के घबरा जाएगी वो, मुझे मालूम है। खैर मैं चला, तू ही संभाल उनको। बाय बाय। सुनते हैं कि यहाँ शो पे सबको बुला के बहुत माँ बहन करते हैं भाई। ए कृष्णा, अच्छा हुआ कि आ गए, नहीं आते ना तो तुम्हारे घर में घुस के इतना डरावा करते कि जिंदगी भर घर में जाने के लायक नहीं रहते। क्या कहते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में कि हम बहुत जालिम औरत हैं? मैं तो कह रहा था कि आप कितनी स्वीट हैं, कितनी ब्यूटीफुल हैं आप, और अगर आप छोटे छोटे कपड़े पहन लें तो आप सेक्सी भी लगेंगे। यही बात हमारे पड़ोस के गुड्डू ने कही थी और हमारे पति सज्जन जी ने उसकी तोड़ डाली थी, दोनों टांग। सॉरी प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन एक बात कहूँ? कहिए। जैसी आप है ना, आपके ऐसे ही पति बनते हैं। हम ऐसे दिखते हैं, है नहीं? अच्छा तो फिर आप असली में कैसी हैं? देखना चाहिएगा। हाँ। तो पकड़िए। यार ये मम्मी तो असली में यम्मी निकली यार। सीरियल का तो पता नहीं, लेकिन आपके असली पति तो बहुत खुश रहते होंगे। वो तो बहुत खुश रहते हैं, बट मैं उनसे ज्यादा खुश नहीं रहती। वैसे क्या नाम है उनका? गब्बर सिंह। गब्बर? अरे नाम के गब्बर हैं, काम से बिल्कुल गोबर। निहायती शरीफ कवि हैं। प्लीज बुलवाइए ना उनको यहाँ पे। As you wish. You know, लोग जितने शरीफ बनते हैं उतने होते नहीं हैं। But my husband, जहाँ जहाँ पे शरीफ नहीं होना चाहिए
वहाँ वहाँ पे भी शरीफ होते हैं। अभी तक वो आए नहीं है, अभी राशन लाना है उसे, मुझे खाना बनाना है, विकेटी पार्टी में साकी नाका जाना है। I don't know where is he. अरे लेट हो गए तो समझ लेना था कि कोई काम होगा। साकी नाका मत जाना वहाँ, ट्रैफिक जाम होगा। राशन कहाँ है? अरे इससे पहले कि हम इन्वेस्ट करते चाय पत्ती और शक्कर में, हमारे पैसे खर्च हो गए चंदा के चक्कर में। चंदा मैं उन्हें ऑलरेडी दे चुकी थी। मालूम है। तो फिर क्यों दिया? दोबारा मांगा तो दोबारा दे दिया, क्या करते थे? तुम्हें मुझे फोन करके पूछना चाहिए था ना। अरे फोन कैसे करते, हम इतने अकल से उदास नहीं थे, लेकिन फोन हमारे पास नहीं थे। फिर किसके पास था? सुरेंद्र के बेटे के पास। सुबह से उस पे गेम खेल रहा था। तो डाटा नहीं? अरे जितनी बार मांगा उसने बहुत डाटा हमको। माय पुअर हस्बैंड, बच्चों से भी डांट खा के आ जाते हैं। अरे तुम अजंता के गुफाओं से निकल के मॉडर्न आर्ट बनो, अमोल पालिका नहीं कृष्णा की तरह स्मार्ट बनो। सड़क पे निकलो, कॉन्फिडेंट होकर चलो, जमाना बदल रहा है, तुम भी कुछ बदलो ना। ये बदला? नहीं बदला, और भी बदला। क्या बदला? सड़क पे जा रहे थे, कपड़े भीग गए तो कपड़ा बदला। ट्रांजिस्टर में सेल खत्म हो गया था वो बदला। घर के अंदर एक तार खराब था उसको भी बदला। और कल रात को तुम्हारे सामने स्कूटर का पिछला टायर बदला, पंक्चर हो गया था भाई। तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? अरे ये तो रवि किसे नहीं बता सकते हैं, इसका हमको बहुत विश्वास है, क्योंकि राज पिछले जन्म का उन्हीं के पास है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं तुम्हारे दिमाग का बल्ब कब जलेगा, इस कमीनी दुनिया में तुम्हारे जैसा आदमी कैसे चलेगा। हेलोजन बल्ब के सामने क्या कोई दिया मर मर के जल नहीं सकता, और बेईमानी की सड़क पे क्या कोई शरीफ आदमी चल नहीं सकता। ऐसी शराफत किस काम की, तुम ये शराफत छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बिना डिटर्जेंट के कोई कपड़े धो नहीं सकता, बिना नींद आए कोई सो नहीं सकता, बिना पिटाई के कोई रो नहीं सकता, बिना कुंभ के कोई खो नहीं सकता, और मैं शराफत छोड़ दूं ये हो नहीं सकता। या तो अभी इसी वक्त मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लो, या फिर हमेशा के लिए अपनी शराफत छोड़ दो। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी सांसदों की तरह पैसे में बिकूं? तुम क्या चाहती हो कि मैं भी अश्लील साहित्य लिखूं? तुम क्या चाहती हो कि मैं हीरोइनों की तरह कपड़े उतारूं? तुम क्या चाहती हो कि गंदी भाषा में गालियां पुकारूं? हैं? तुम क्या चाहती हो कि मैं सड़क पे इस तरह नंगा होकर घूमूं? तुम क्या चाहती हो कि मैं रात को बोतलें चूमूं? अरे इस देश में हर आदमी ने वैसे ही बेईमानी को घर में सजा रखा है। मुझे खूब गर्व है कि मैंने शराफत को बचा रखा है, इसलिए मैं बेशर्मी का पर्दा ओढ़ नहीं सकता, और कुछ भी हो जाए पर शराफत छोड़ नहीं सकता। मुझे आपसे बस यही सुनना था। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकवा है ना गिला है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आप जैसा पति मिला है। क्या बात? अगर ऐसी बात है तो हम भी भोलेपन के इतने करीब नहीं हैं, और बाय गॉड की कसम हम भी शरीफ नहीं हैं। कृष्णा देख रहा है। तो भैया यहाँ आके देखो ना, वहां से काहे देख रहे हो यार, तो नजदीक आ जाओ। अब शैले जी, आपका ये क्या बात है, जोरदार तालियां पहले दोनों। शैले भैया आपका ये उल्टा चश्मा इतना सुपर हिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ उल्टे काम करें। बीवी है भाई। देखिए शो मेरा, मैं उल्टे काम कर सकता हूँ। कश्मीरा है क्या यहाँ? देखो दीदी आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे नहीं बोलते, ऐसी अच्छी बात नहीं होती। देखिए अस्मिता जी, आपको अपने पति पर गर्व हो या ना हो, लेकिन मुझे
और हम सबको आप दोनों पर बहुत गर्व है कि आप जैसे इतने अच्छे कलाकार हमारे मंच पर आए और यहाँ परफॉर्म किया। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अभी हम क्या बोले कि इतने शरीफ नहीं है भैया, चलो है हाँ मचा रखा। अरे सबके साथ यही होता है यार, साला शो मेरा मुझे कोई मिलती नहीं, झोला लटका के कोई ना कोई चला ही जाता है। खैर कोई बात नहीं, अस्मिता को मैं पैकअप के बाद मिल लूंगा। दोस्तों मेरे शो पर आकर सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी, कठपुतलियों ने भी कॉमेडी करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं मैं डेली सोप के एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असली कठपुतली की बात कर रहा हूं। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सत्यजीत और छोटू सिंह का। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। अरे छोटू सिंह ये गाना क्यों गा रहे हो यार? मैंने डिसाइड किया है। क्या? कि मुझे बाप बनना है। अरे पर सहरा पहन के कोई बाप बनता है क्या? फिर बाप कैसे बनते हैं? शादी करके। तो फिर वही तो कर रहा हूँ। तो शादी करोगी, तो शादी करोगी। छोटू सिंह, अरे गाना गा के तुम्हें कोई लड़की मिलने वाली है क्या? अरे जब राहुल महाजन को लड़की मिल सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल सकती? एक काम कर, तुम हमारी कॉमेडी की क्वीन है ना? कौन कौन कौन? भारती, उससे शादी कर ले। नहीं। अरे क्यों नहीं यार? एक हाथी से एक चूहा कैसे शादी कर सकता है? एक काम कर लो, शर्लिन चोपड़ा से शादी कर लो। मैं शादी अपने मजे के लिए कर रहा हूँ, पड़ोसियों की मजे के लिए नहीं। तुम्हें लड़की कैसी चाहिए ये बताओ यार। मुझे तो लड़की एक जैसी चाहिए जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। कंट्रोल कर सके याने? जिसे मैं अपने इशारों पर नचा सकूं। अरे छोटू सिंह आजकल के जमाने में ऐसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी, देखना है दूसरों को अपने इशारे कैसे नचाते हैं। क्या बात है छोटू सिंह, क्या तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस करते हो। तुम जो करते हो उसे डांस कहते हैं? अरे तो फिर क्या कहते हैं? डांस करने की बहुत बुरी कोशिश कहते हैं। अरे मेरे शो पे आके मेरी बेइज्जती कर रहा है तू? अरे तेरे शो में आके ही तेरी बेइज्जती करूंगा ना। इसकी शक्ल देखो, ये मुझे ना शक्ल से सुरेंद्र का रिश्तेदार लगता है। खबरदार जो तूने कहा कि मैं सुरेंद्र का रिश्तेदार हूँ। तो फिर क्या कर लेगा तू? थवड़ 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 थवड़।